हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत लोगों का एक सेम क्वेश्चन कई सालों से आ रहा था। इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी 2-3 बार वीडियो बनाया हुआ है, पर मैं कल लाइव हुआ था मनी इज नथिंग पर ही, इसी चैनल पर लाइव हुआ था, तो मुझे लगा कि फिर से इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए। कि ये इतना कॉमन क्वेश्चन है गैम्बलिंग की दुनिया में, कैसीनोज की दुनिया में, कि लोग बार 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 क्वेश्चन करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि माइंड पर कंट्रोल कैसे करें। एक कॉमन क्वेश्चन है सब लोगों का कि हम जीत तो जाते हैं, हम जैसे पैसा डालते हैं, हम कोई भी गेम खेलते हैं, हमारा अमाउंट बढ़ जाता है, पर बढ़ने के बाद हमारा हमारे दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है और हम अपना पैसा सारा का सारा लूज कर देते हैं, सारा का सारा हार जाते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, पर मेरे में एक चीज़ आप लोगों से अलग है कि मेरा मेरे दिमाग के ऊपर नियंत्रण है। कब और कितना पैसा जाएगा ये मैं डिसाइड करता हूँ, ना कि कोई गेम या कोई और चीज़ डिसाइड करती है। ठीक है, इसमें भी गलती हो सकती है मुझसे, मेरी भी खोपड़ी पर शैतान नाच सकता है, मैं भी बहक सकता हूँ। इसके लिए मैं इसमें भी फिल्टर लगाता हूँ कि अगर मेरी खोपड़ी पर शैतान नाचा, अगर मैं बहक भी गया तो इससे ज़्यादा नहीं हारूंगा, दूसरी बार बहक गया तो भी मैं इससे ज़्यादा नहीं हारूंगा। मतलब मैं कई सारी चीज़ों के फिल्टर लगा के रखता हूँ। उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा और आगे बताऊंगा कि आप क्या तरीका अपना सकते हो इसमें। फिर आने वाले दिनों में ट्रिक स्ट्रेटजीज वगैरह ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। डजन के ऊपर लोगों की डिमांड है कि वीडियो बनाओ, रूलेट की ट्रिक्स के स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाओ, और हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो ये सब मैं वीडियो आने वाले दिनों में बनाऊंगा, पर आपको सबसे पहली चीज़ मेरी एक ही नसीहत है कि दोस्तों जुआ छोड़ दो, क्योंकि इसमें अगर आप बच भी गए या जीत भी गए तो भी इस बात का डर हमेशा बरकरार रहेगा कि आज जीते हो कल हार जाओगे, 10 दिन जीते हो 11वें दिन हार जाओगे, और 10 दिन का जीता हुआ पैसा आप 11वें दिन सारा का सारा एक साथ लूज कर सकते हो। तो ये डर हमेशा बरकरार रहता है और ये डर काल्पनिक नहीं है, ऐसा होता है लोगों के साथ। तो बात आती है कि मैं क्या करता हूँ। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि जैसे मैं अपने, अब तो मैं पैसे कैरी ही नहीं करता हूँ, मतलब मेरे को अब खाली जेब में घूम जाता हूँ। अगर मेरी जेब घूम लेता हूँ कहीं भी, अगर किसी ने मेरी जेब में, मान लो मेरी जेब में 200-400 रुपये पड़े हैं, तो आप मुझे 10 दिन बाद भी मिलोगे तो वो उतने ही रहेंगे, क्योंकि मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, मैं कुछ भी खाता पीता हूँ नहीं, तो मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। कोई पेट्रोल का या कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा कभी हो गया, वो भी मैं घर से बाहर ही नहीं जाता। पर जिन दिनों मैं दिल्ली में था और मैं इस तरह की चीज़ें जब करता था, एक्टिविटीज़ जिसमें पैसे का, तो मैं छोटे पैसे ऊपर की जेब में रखता था कि अगर बाई चांस पैसे गिर गए तो छोटे पैसे गिरेंगे। छोटे पैसे मतलब 10, 20, 50 रुपये ऊपर की जेब में, क्वाइन पॉकेट पैंट की एक लेफ्ट साइड या राइट साइड वाली पॉकेट में। उसके बाद जो पर्स में शुरू में रखता था, फिर मैंने पर्स भी रखना बंद कर दिया था, पर पैसे भी जो भी मैं रखता था वो कुछ बड़े नोट, बड़े नोट मतलब 500 या 1000 के नोट, वो मैंने लाइसेंस वगैरह के साथ अपनी पीछे वाली जो बैक पॉकेट होती है उसमें रखता था। उसके अलावा जो दूसरी साइड की बैक पॉकेट आजकल हर पैंट में आती है, तो उसमें एक दो नोट, मतलब 3-4 एरिया में पैसे रखता था कि अगर ये खो गए या गिर गए तो ये वाले पैसे बचा लेंगे, ये वाले बचा लेंगे, मतलब सारे एक साथ नहीं गिरेंगे। ऐसे ही जब मैं कसीनो में जाता हूँ तो मेरे पास फिल्टर होता है। जैसे मान लो मैं 50,000 लेके गया, या मैं जब 10 भी लेके जाता था, 5,000 मैं स्कूटर की डिक्की पे रख के जाता था, या अगर हम 50 लेके गए और मैं गाड़ी में गया हूँ वाइफ के साथ, तो हम आधे पैसे गाड़ी में रख के जाते थे पार्किंग में। उसका फ़ायदा ये होता था कि जब हमारे आधे लूज हो गए तो हमारे को वहाँ पे एक फ्लो बनता था हारने का, तो वो फ्लो टूटे, ताकि पैसे लेने गाड़ी में जा रहे हैं तो आदमी जाता है, थोड़ा बैठता है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, पैसा आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये सब आकलन करने का टाइम मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से मैं राइडर लगाता हूँ। अब आती बात की हम जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि हम पैसा जीत तो जाते हैं, मतलब हमारा पैसा बढ़ तो जाता है। आप मेरे कमेंट उठा के देखना, इंस्टाग्राम के तो खैर आप नहीं पढ़ सकते, पर ये जो रूलेट इंडिया चैनल है, मनी इज नथिंग चैनल है, या ट्रैवल एंड नॉलेज पर भी 109 वीडियो में की प्लेलिस्ट है मेरी, ये सब चैनल्स पर आप वीडियोस के नीचे आप कमेंट पढ़ना कि हमने ना इतना पैसा तो बना लिया था, हमारा पैसा इतना तो हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का सेम डे में होता है, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा, जो विड्रॉल नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहते हैं, फिर एक ही दिन या 2 दिन में वो सारा पैसा गंवा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको विड्रॉल करने की टेक्निक नहीं मालूम। दूसरा होता क्या है कि जब आप पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपने पैसा डाला, ऑनलाइन में डाला या ऑफलाइन आप लेके गए, और वो पैसा बढ़ा, तो आप ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते कसीनो में चीटिंग हो रही है, क्योंकि अगर चीटिंग हो रही है तो वो बढ़ा कैसे। एक तो गए जो मर्जी कर लिया फिर जीरो, जो मर्जी कर लिया फिर जीरो, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। पर अगर आपका पैसा बढ़ गया तो बढ़ा क्यों,
हम चीटिंग का इल्ज़ाम तब लगा सकते हैं जब बढ़ने के बाद वो हमें जाने नहीं दे रहे बाहर। ऑनलाइन है तो वो विड्रॉल नहीं करने दे रही है, ऑफलाइन है तो वो बाहर बाउंसर खड़े हो गए जी नहीं नहीं आपको हार के जाना है, तब तुम कहेंगे जी बेईमान है। वो आपको पूरी फ्रीडम देते हैं कि अब आपका पैसा दुगना या दुगने से ज़्यादा हो गया है, गेम बंद करो और निकलो, पर हम नहीं निकलते। फिर क्या होता है, हम सारे वही पैतरे आजमाते हैं कि अब ये और बढ़ेगा सेम स्ट्रेटजी से, और वो बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे वो पैसा जीरो हो जाता है। तब हम कहते हैं कि अब ये चीटिंग कर रहा है, क्योंकि अगर पहले तो बढ़ गया था अब क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि भाई रूलेट या कोई भी गेम का फ्लो एक जैसा नहीं चलता है, पर आपको एक जैसे ही खेलना था। जैसे मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़े से बड़े धुरंधर आदमी को भी 5 से 6 जैसे ज़्यादा पैटर्न नहीं मालूम होते गेम के, और गेम जो पैटर्न बनाती है वो 15-18 पैटर्न या उससे भी ज़्यादा बनाते हैं। तो हमारी क्षमता है, जब हमारा पैटर्न चल रहा था तो हमने अपने पैटर्न के हिसाब से बैट लगाई, पैटर्न भी वही चल रहा था, हमारा पैसा बढ़ गया। अब बढ़ गया, हमें तो वही पैटर्न आता है, उसने पैटर्न चेंज कर दिया, हम फिर भी वही तरीके से लगा रहे हैं कि ये आने के बाद ये आएगा, ऐसा होने के बाद ऐसा होगा, और अब वो चेंज कर चुका है, अब हमारा वो पैसा सारा ले गया। तो हम चीटिंग का कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, अगर वो चीटिंग करते हैं या नहीं करते? मैं कहता हूँ करते हैं, करने के बावजूद भी तो उन्होंने आपका पैसा बढ़ाया ना, दुगने से ज़्यादा किया, आपने क्यों नहीं गेम बंद किया? 7% ब्याज मिलता है मैक्सिमम, 7-7.5% ब्याज मिलता है, महंगाई दर से सिर्फ 1-1.5% कम ब्याज मिलता है साल का एफडी का। अगर आप 1 लाख रुपए का एफडी करोगे तो 6,500-7,000 रुपये साल के मिलेंगे, मतलब पैसा जाके 8-9 साल में डबल होगा। यहाँ पर आपका आधे घंटे में पैसा डबल हो जाता है, वो चाहे 500 का 1,000 हो, या 5,000 का 10,000 हो, या 50,000 का 1 लाख हो, पर आप नहीं रुकते हो। तो इसमें चीटिंग करे या ना करे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पैसा तो बढ़ा ही रहे ना, आप नहीं निकल रहे हो। अब आता है दूसरा सवाल कि भाई हमारा पैसा तो बढ़ जाता है पर हम निकाल नहीं पाते, हम गेम रोकते नहीं है, कंट्रोल नहीं रहता, और लालच में मोर आते। किस बात का लालच? कि आज मेरा दिन है, एक बार मैंने 5,000 से 50,000 बनाया था तो आज भी वही दिन है, आज मैं 5 से 50 बना लूंगा या 40 पे गेम बंद कर दूंगा, पिछली बार तो 50 बनाया था 40 पे गेम बंद कर दूंगा, वो नहीं होता। हम ना पूर्वाभास में रहते हैं, पूर्वाभास बोलते, पूर्वाग्रह बोलते, मतलब पहले से पहले रिजल्ट को आंक लेते हैं। मुझे करेक्ट करना, पूर्वाभास होता है या पूर्वाग्रह होता है, कि जिसमें आप पहले से पहले ही बायस हो जाते हो कि नतीजा ये आने वाला है, कि नहीं नहीं आज तो मेरा दिन है, 5 के 15 तो हो चुके हैं, आज मैं पिछली बार 5 के 50 बनाए थे, 40 पे गेम को बंद कर दूंगा। मतलब आपको लगता है कि बस हथेली पे सरसों, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा हो जाएगा, पर हलवा नहीं है। तो कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप लालची हो, आप मानोगे आप लालची हो, आप भूखे भेड़िए हो, आपको चाहिए कि एक, आप चाहते हो कि एक ही दिन में पूरा का पूरा लूट करके अपना घर भर ले, तो क्या अगले दिन से मुंह नहीं देखोगे उसका? अगले दिन फिर आप पैसा जमा कराओगे? बड़े बड़े करोड़पतियों को जानता हूँ जो करोड़ों रुपए जीतने के बाद में अगले दिन फिर पैसा लेके आते, हर बार लाते थे 20,000 रुपये, आप जीत गए बड़ा जैकपॉट, तो अगली बार आ रहे हैं 20 लाख रुपए। तो जितना बड़ा खेलोगे उतना बड़ा हारोगे। तो ये माइंड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि भाई मेरा जब टारगेट पूरा हो जाता है, या टारगेट पूरा हो गया चलो फिर तो समझ में भी आता है, कई बार टारगेट बहुत आसानी से पूरा हो जाता है, शुरू की दूसरी तीसरी बैट पे ही जैकपॉट लग जाता है, मेरा टारगेट पूरा हो गया पर खेलने का कीड़ा शांत नहीं हुआ। तो मैं अपने आप को क्या करता हूँ, मेरे कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं मैं उससे कनेक्ट करता हूँ। जैसे मान लो मेरे को एक जगह पर 10-15 हज़ार रुपये महीना, 10-12 हज़ार रुपये महीना देना होता है, तो अभी मैंने कुछ 800 रुपये की बैट पे 22,000 रुपये जीते थे, हो गए 8-9 दिन, कल मैंने लाइव में बताया भी था, 22-23 हज़ार का मेरा प्रॉफिट था 800 रुपये की बैट पे। तो मन कर रहा था कि अरे आज तो 2-4 लाख रुपये कमा लूंगा, मैंने अपने आप को बोला कि 22,000 रुपये का प्रॉफिट का मतलब है कि वो जो तेरा एक्सपेंस है, 2 महीने का एक्सपेंस आ गया तेरी पॉकेट में, अब 2 महीने बाद खेलना। मैंने आपको अपनी विनिंग अमाउंट को अपने खर्चों से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका दिमाग को ये लगे कि ये पैसा कम नहीं। क्या होता है, मैंने अपने चैनल का नाम मनी इज नथिंग रखा ही इसलिए है कि कसीनो के अंदर, गैम्बलिंग की दुनिया के अंदर, ऑनलाइन गेम्स के अंदर पैसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको बड़े से बड़ा जीता हुआ अमाउंट भी तुच्छा सा लगेगा। आपका 5,000 50,000 हो गया, आपका 50,000 90,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, आपको लगेगा अरे तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने बोला मनी इज नथिंग, ऑनलाइन कसीनो बट नॉट इन लाइफ। तो वो जो अमाउंट जो वहाँ पे आपको बहुत छोटा लगता है कि बस कुछ बटन दबाए और पैसा आ गया है, तो क्यों ना आज बहुत सारा, आज ही मुकेश अंबानी बन जाए, वो नहीं होता। तो अपने जीती हुई रकम को छोटा मत मानो, आप उसको वहाँ पर छोटा मानते हो, वहाँ पर पैसे की कोई औकात नहीं होती।
जो आदमी बाहर 10 रुपए के लिए भी रिक्शे वाले से बहस करता है, वो भी अंदर 500 रुपए टिप दे देता है, और बाद में उसको 500 रुपए उधार मांग के घर जाना पड़ता है। तो ये रकमें छोटी नहीं होती। तो अपने जीवन के कुछ खर्चों से उनको कनेक्ट करोगे, अरे यार इतना पैसा आ गया। जब मैं कसीनो से अपना घर चलाता था, आज से 1.5 साल पहले की बात है, तो मैं जब वहां पर 3,000 रुपये जीतता था ना, तो मेरे को 3,000 रुपये छोटी रकम लगती थी कि अरे यार आए आधे एक घंटे पे, बढ़िया खाना भी खा लिया, 3,000 भी जीत गए तो और खेलते। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, 3,000 रुपये में मेरी 3 बोरी चावल आएगी। 3 बोरी चावल का मतलब है कि 40 किलो की एक बोरी है, उस समय वो 850-900 की थी, अब तो वो 1200-1300 की है। तो मैं कहता था कि इसमें तो 3 बोरी चावल आ जाएगी और प्लस मेरे स्कूटर का टैंक फुल भी हो जाएगा। और मैं निकल आता था और एक बोरी स्कूटर में खरीद के पैरों में रख के आ जाता था घर तक, वो आगे रख के स्कूटर के, और एक बोरी चावल लेके आ जाता था किशोर ब्रांड की। ऐसे ही उस समय सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हुआ था। तो मैं कभी कभी बहुत फाइट लड़ी, पैसा 70-80% नीचे चले गया। मान लो मैं 10,000 लेके गया, 8,000 चले चले गए, 10,000 नहीं लेके जाता था, ये जिन दिनों की बात बता रहा हूँ उन दिनों तो मैं लेके 3-4 हज़ार रुपये जाता था, 5,000 मैक्सिमम होता था। तो मान लो मैं 3,000 रुपये लेके आया, 2,000 चले गए, आखिरी के 1,000 रुपये से फिर से 6,000 रुपये हो गए, मतलब 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो दिमाग बोलता था कि अरे यार 1,000 रुपये प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट होता है? तो मैं कहता था नहीं, 180 रुपए की, 200 रुपए की सरसों की तेल की बोतल है, 5 बोतल सरसों की तेल आएगा, मतलब तेरा 1 महीने का, जो इस समय हिंदुस्तान में हाहाकार मची हुई है कि सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो गया, महंगाई में गरीब आदमी कैसे खाएगा, ये करेगा वो करेगा, कैसे पकौड़े तलेगा, ये सब चल रहा था ना उन दिनों। मैं कहता था कि 1,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, 5 सरसों की तेल की बोतल आएगी और मेरा 1 सवा महीना घर में सरसों के तेल के बारे में डिस्कशन नहीं होगा। ऐसे करके मैं वो 1,000 रुपये को बड़ी रकम मानता था, जबकि मैंने तो 3-3 हज़ार से 10-10 हज़ार भी बनाया हुआ। मेरा दूसरा शैतानी दिमाग क्या बोलता था, अरे नहीं तू और खेल, देख तूने रिकवर कर लिया, तुझे आता है खेलना, 3,000 से तूने उस दिन भी 10,000 बनाया था, 12,000 बनाया था, आज भी बना ले। मैं कहता था नहीं, अगर बनना होता तो मेरा 3,000 रुपया नीचे ही नहीं जाता, 3,000 रुपया 2,000 रुपये नीचे गया। तो ये 1,000 रुपये नहीं है, ये 3,000 रुपये, 2,000 में अपना गया हुआ लेके आया प्लस 1,000 रुपये लेके आया, और 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुके, अब इससे ज्यादा मेरा दिमाग मुझे ही धोखा देना शुरू कर देगा, पजल हो जाता है दिमाग। ऐसे करके अगर जब आप, आपका लालच आपकी खोपड़ी के अंदर, कोई गेम वेम में चीटिंग होती ही नहीं, तो चीटिंग होती है तो भी तो वो आपका पैसा डबल करता ही है ना, बढ़ता ही है ना पैसा, तो चीटिंग होती नहीं होती इसमें पढ़ने की बजाय ये देखो कि जो क्या गलती हो रही। गलती आपका दिमाग आपको लालच दे रहा है कि नहीं आ ये रकम बहुत छोटी है, आज तो बड़ा जीत लेते हैं। तो बड़ा जीत लेते हो तो ये दिमाग को, दिमाग से लड़ो, दिमाग को बोलो कि बॉस ये अमाउंट छोटा नहीं है, इस अमाउंट से मेरा ये खर्चा निकल जाएगा, इस अमाउंट से मेरा 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, इससे मेरे घर का राशन आ जाएगा। एक आदमी था मेरे को चांसेस में मिला, और वो बंदा मेरे को देखते ही ऐसे हाथ जोड़ लेता है, गुरुजी बोलता है, जबकि वो व्यक्ति एज में मुझसे काफी बड़ा है, और मतलब समझ लो एक दो बार तो उसने लोगों के सामने मेरे पैर तक छू लिए। तो मैंने उसको मना किया कि ये मत करना, कह रहे कि मैं बहुत, कर्नाटका का है वो व्यक्ति और गोवा में ही रहता है जब मैक्सिमम, वो कह रहा है मैं ना बहुत टाइम से खेल रहा हूँ और जीतता भी हूँ, प्लस भी होता हूँ, पर होता ही है कि यहाँ जीत गया वहाँ हार गया, वहाँ जीत गया वहाँ हार गया, कर्जा चढ़ता रहता है, कभी माइनस कभी प्लस, कभी ले लिया फिर जीत गए बड़ा अमाउंट फिर दे दिया। वो तब से खेल रहा है जब चांसेस कसीनो शुरू हुआ था, जब 10 रुपए की बैट भी होती थी मशीन में, अब तो मिनिमम बैट ही 50 रुपीज की होती है, वो तब से खेल रहा है। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, ब्रेक लेते हैं ना जैसे गेम के बीच में, तो वो मेरे पास आके बैठा, तो मैंने अपना बोलना शुरू कर दिया, आपको मालूम है मैं तो बहुत ज्यादा बोलता हूँ और चुप रहता नहीं हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भैया मैं तो अपना, भाई मैं जब भी जीतता हूँ सबसे पहले सीधा जाके राशन भर लेता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि यार मैंने कल यहाँ पे 80,000 जीता, फिर मैंने जा करके वो कौन सा है मीरामार पे, वो 5-स्टार होटल के बेसमेंट में कसिनो, वहाँ जा करके मैंने वो 30,000 हार गया एक दिन में, वहाँ से जीता। तो मैंने उसको बोला कि मैं ये करता हूँ, कह रहा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले देखो जब भी आप अमाउंट जीतो, तो अब मैं आपको खेलना तो सिखाऊंगा नहीं क्योंकि आप मुझसे बहुत सीनियर हो और आपको आता भी है खेलना जीतना, जब भी आप अमाउंट जीतो आप सबसे पहले उसमें से एक रकम बड़ा अमाउंट, जैसे जीते छोटे छोटे अमाउंट की बात नहीं करो, आप बड़ा जीतते हो जैसे, तो जो भी जीतते हो उसमें से एक रकम तो घर भेज दो, बोले बोलो कि पूरे घर के महीने का राशन भर डालो, जिस जिससे कुत्ता बिल्ली भी जिससे भी कभी भी कोई भी पैसा उधार लिया है सबके पैसे दे दो, और राशन हमेशा 2-2.5 महीने का भरो, ताकि आप जब हारो भी माइनस भी हो तो डिमोटिवेट आ रहा है माइनस भी है तो यार घर में राशन तो 2 महीने का पड़ा हुआ है ना, बच्चों की फीस एडवांस में भर दो। वो बंदा मेरे को जब अगली बार मिला ना, तो जब मैंने बोला ना कि उसने पैर छुए थे, वो उसने मेरे पैर छुए, कह
कह रहा यार मैं पहले माइनस होता था ना, तो रात को कलपता था, अपने मुंह पे जूते मारता था कि क्या कर डाला मैंने। आपके उस सजेशन से ये फायदा होगा, कह रहा मैं अब अपनी माँ के पास 20,000 रुपये जमा करवा देता हूँ, अपनी बीवी को पैसे भेजता हूँ, जा पूरे घर का राशन भर ले 2 महीने का, बच्चों की फीस एडवांस में भर दे। मतलब वो कह रहे कि अब जब मैं माइनस होता हूँ ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, अरे यार पैसे हैं, कल ट्राई कर लेंगे, परसों कर लेंगे, खत्म हो जाएंगे, किसी से पकड़ लेंगे, घर में राशन अगले 2-2.5 महीने का है, घर में बैकअप के नाम पे पैसा पड़ा हुआ है, दुनिया में किसी की देनदारी नहीं, सबका पैसा दे दिया, बच्चे की फीस एडवांस जमा है, कुछ ऐसी चीजें खरीद ली जो आने वाले दिनों में जरूरत पड़नी अभी खरीद ली, कोई थोड़ा बहुत कपड़ा लत्ता, कोई त्योहार है त्योहार के लायक कोई सामान वगैरह खरीदना है वो सब कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो कि जो आपने जीता है वो रकम छोटी नहीं है। और अगली बार एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि कैसे माइंड पर कंट्रोल करें, क्योंकि माइंड पर कंट्रोल एक वीडियो से नहीं होने वाला, ये प्रॉपर एक सेशन है, प्रॉपर एक कोर्स है, आपको लगातार ऐसे कई वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके दिमाग की कंडीशनिंग होगी। टीवी में ऐड देखते हो ना, एक बार जब वो बता देते कि फटी एड़ियों के लिए क्रैक क्रीम है, तो आपको बार बार क्यों ऐड करते हैं, ऐड दिखाते हैं इतना पैसा खर्च करके, क्योंकि उनको मालूम है कि बार 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 ऐड दिखाने से दिमाग की कंडीशनिंग हो जाएगी, ये ब्रांड इनको ऐसा लगेगा कि यही है। जैसे आप जाके पानी की बोतल नहीं बोलते, आप बोलते एक बिस्लरी देना, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलते, आप बोलते एक कोक देना, एक थम्सअप देना, क्योंकि ये इन्होंने इतना आपको ऐड दिखा दिया है। तो ऐसे ही बार 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 करने से ये कंडीशनिंग आपकी चेंज होगी। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग क्या सोचते हो ये आप समझ मुझे कमेंट करके बता देना अगर आप चाहो तो, और आप चाहोगे तो आगे ऐसे वीडियो बना सकता हूँ। बाकी लालच, क्योंकि ना इसमें यंग एज के बच्चे आए हुए हैं, मतलब 15 साल से 25 साल तक, ये एज फैक्टर भी होता है, इस एज के बच्चों को लगता है अब रातों रात पैसा कमा ले, मर्सिडीज खरीद ले और सोना खरीद ले, कपड़े खरीद ले और अपना बढ़िया रॉयल महंगा फोन खरीद ले। ये ऐसे नहीं, हलवा नहीं बट रहा है कि कोई भी आएगा और वो, और ये एक दिन जीतते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, वो 10 लोग भी जुए में आते हैं, फिर इनके दोस्त धीरे धीरे करके सब बर्बाद होते हैं। आज तक एक कसीनो बता दो जो माइनस होने की वजह से बंद हुआ, नहीं हुआ। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आप लोगों को सबसे इजी लगता है बड़े पैसे से छोटा पैसा बनता है, ये बिजनेस नहीं कर रहे आप, ये जुआ है, बिजनेस के अंदर बड़े पैसे से छोटा पैसा बनता है, तो इसीलिए लोग कंपाउंडिंग में बर्बाद हो रहे हैं, इसीलिए बड़े पैसे से डालते हैं कि 1 लाख डालेंगे 5-10 हज़ार रुपये कमा लेंगे। मुझे बहुत लोग मिले हैं कह रहे यार मैं तो 10 हज़ार रुपये लेके आऊंगा, 1,000 रुपये रोज के कमाऊंगा, मेरी तनख्वाह 25,000 रुपये, यहाँ तो 1,000 रुपये पर डे की एवरेज, 10,000 से 1,000 रुपये कमाना तो बहुत आसान है, और मैं आराम से यहाँ पे 30,000 रुपये महीना कमा लूंगा और खाना पीना फ्री। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा आप कितनी बार आ चुके, कह रहे मैं तो 2-3 बार आया हूँ, पर आज पहली बार खेलने जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ आता था, उत्तराखंड से था वो बंदा। तो बंदा बोला, मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा आपको ये कैसे मालूम है कि आप रोज 1,500 ही विन करोगे, कभी कभी नीचे भी तो जाएगा, और नीचे जाते जाते मैं 0 हो गया तो, कह रहे नहीं नीचे 2-2.5 हज़ार में रुक जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, थोड़ी देर बाद मुझे मिला, कह रहे वो मैंने ना अभी मैं 1,500 रुपये प्लस हूँ, तो मैंने कहा आपको तो जाना चाहिए, कह रहे हाँ जा रहा हूँ बस खाना खा के। थोड़ी देर बाद मुझे बोला मिला, कह रहा 2,500 रुपये माइनस हूँ, मैंने कहा आप तो जा रहे थे खाना खा के, कह रहे हाँ। फिर वो मैंने सोचा कि चलो 500 रुपये, अब इतना लेट हो ही गए हैं, टैक्सी के 500 रुपये और निकाल लेते हैं, तो खेलने गया, फिर वो घट गया, फिर मैंने कहा चलो 1,500 तो करूँ, वो 1,500 में और अब 2,500 माइनस। थोड़ी देर बाद वो 0 था, और वो थोड़ी देर बाद जब वो मुझे सीरियस ज्यादा ले नहीं रहा था, तो मैं जब उसको बोल रहा था तो उसको लग रहा है क्या बेकार की बात बोल रहा है, आई एम द किंग, आई एम द बॉस। थोड़ी देर बाद वो मुझे शराब पीता हुआ नजर आया और वो कह रहा भाई साहब आपकी बात एक एक सही थी। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।